नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। यूपी के मऊ जनपद में प्रधानों का एक संगठन जिला अधिकारी से मिला, साथ ही अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। आप देख रहे हैं तस्वीरों में किस प्रकार से ग्राम प्रधानों का प्रतिनिधि मंडल डीएम को ज्ञापन सौंपने जा रहा है। आपको बता दें कि ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष विवेकानंद यादव ने बताया कि पूरे देश में ODF 2 अक्टूबर 2019 में हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ODF 2 अक्टूबर 2018 में किया जाना है। उन्होंने बताया कि ये कतई संभव नहीं है, अगर ऐसा होता है तो ये सही तरीके से नहीं होगा। उन्होंने मांग किया कि शौचालय बनवाने के लिए और समय दिया जाए, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा प्रधानों के साथ तालमेल किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्वच्छता और शौचालय बनाए जा सके। आप देख रहे हैं मऊ ब्यूरो की रिपोर्ट। क्या मामला है, क्यों आप लोग यहाँ इतने सैकड़ों की संख्या में प्रधान इकट्ठा हुए? हम लोग ये चाहते हैं कि पूरा देश ODF 2 अक्टूबर 2019 में हो रहा है। यूपी गवर्नमेंट ने इसको हटा करके समय जो है 2 अक्टूबर 2018 किया, तो ये पूरे देश के साथ यूपी भी ODF हो, इसलिए कि अगर जल्दीबाजी की जाएगी तो वास्तविक ODF नहीं हो पाएगा। और दूसरा हम लोग का ये था कि 14वें वित्त में एक जिलाधिकारी महोदय की तरफ से गाइडलाइन जारी कर दी गई थी, जिसमें वीडियो का प्रति हस्ताक्षर शामिल कर लिया गया था कि वीडियो के प्रति हस्ताक्षर के बाद ही 14वें वित्त का काम होगा। उस पर हम लोग का कहना यह था कि चूंकि वो पंचायत विभाग का काम है, पंचायत विभाग उसे करे जो, उसमें वीडियो को शामिल न किया जाए। और पात गृहस्थी का तीसरा जो है, पात गृहस्थी का मामला है कि पात गृहस्थी में आज भी जो है ग्राम पंचायतों के प्रस्तावों की अनदेखी करके जो है मनमाने ढंग से जो है आपूर्ति विभाग जो है पैसे का लेन देन करके जो है नामों को हटा रहा है, जोड़ रहा है, तो उसको जो है यह प्रक्रिया बंद की जाए। जो ग्राम पंचायत के प्रस्ताव हैं उन्हीं प्रस्तावों को स्वीकार किया जाए। पूरे प्रदेश के प्रधान 2 अक्टूबर में कर रहे हैं, आप लोगों को क्या कष्ट हो रहा है, ऐसा क्या दिक्कतें पा रहे हो? पूरे प्रदेश में आज धरना चल रहा है, ये ज्ञापन देने का काम जो पूरे प्रदेश में इसी मांग को लेकर, इसी विषय पर कि पूरे प्रदेश के प्रधान कह रहे हैं कि 2018 में ODF होना संभव नहीं है। अब वो भी तब जब पैसा आपसे एक सप्ताह पहले अगर आपने पैसा दिया है तो क्या आपको लगता है कि एक सप्ताह में शौचालय बन जाएगा? अगर आपने किसी ग्राम पंचायत को 300 शौचालय दे दिया तो क्या 300 शौचालय धरातल पे कहना? पहले पैसा नहीं दिया गया? पहले भी पैसा दिया गया है, लेकिन तमाम ग्राम पंचायतें बची हुई जिनमें जिनको पैसा अभी भेजा जा रहा है, अभी 3 दिन कहीं कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि और जिला अधिकारियों में आपसी सामंजस्य को न होते हुए ये हो रहा है ऐसा? नहीं, ये आपसी सामंजस्य जिला प्रशासन से हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई आपसी सामंजस्य की कोई समस्या नहीं है, जिलाधिकारी और यहाँ के अफसरों से कोई दिक्कत नहीं है। शासन से पैसा ही जब आ रहा है उसमें जिलाधिकारी और यहाँ पे जिला प्रशासन क्या करेगा? जैसे जैसे पैसा आ रहा है वैसे वैसे मिल रहा है, शासन की देरी की वजह से और ऊपर ही चाबुक लगा रहा है शासन से पैसा न मिलने की वजह से। तो अब जब जिसको शासन पैसा देगा तो वो 2 अक्टूबर 2018 को तो नहीं कर पाएगा, धरातल पर उसे उतारना है ना, उसको कहने से नहीं होगा, पैसा भेज देने से नहीं होगा। तो किसी भी तरह में 2 अक्टूबर 2018 को ODF नहीं हो पाएगा, वास्तविक ODF नहीं हो पाएगा, वास्तविक ODF नहीं हो पाएगा। क्या शासन मिला? डीएम साहब ने बताया है, कहना हुआ कि इसमें 3 महीने का शासन अभी भी समय दे रहा है हमको जो है अपने मन से, और आप लोगों की मांग है तो अगर शासन मान लेगा तो हम लोग को कोई आपत्ति नहीं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।